हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि शर्मा ब्लॉग्स। आज मैं आपको अपना छोटा सा मिनी गार्डन दिखाऊंगी। वहाँ कम पौधे हैं पर अच्छे पौधे हैं। ये सबसे पहले आप देखिए मेरा शमी का पौधा। ये शमी का पौधा है, बरसात में बहुत अच्छा हो रहा है। अभी कहीं कहीं इधर उधर से हर जगह से फूल फूल हो रहा है। फूल क्या कहते हैं इसको, बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है। देखिए कितनी सुंदर सुंदर पत्तियाँ आ रही हैं इसको, कितना सुंदर हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये है हमारा शमी का पौधा। देखिए एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी जड़ में से छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ से भी निकले थे, बड़ा हो गया है। एक ये देखिए, ये छोटे छोटे पौधे जड़ में से खुद ही निकल रहे हैं। और ये है अनार का पौधा। ये मेरे को आदत है कुछ भी खाते टाइम बीज डालना मिट्टी में गमलों में, तो ये उसी से हुआ है अनार का पौधा। खाते टाइम मैंने जब अनार खाया था तो काफ़ी सारे बीज इसमें गमले में डाले थे, तो उसमें से ही ये हुआ है। और ये है मेरा पर्पल पौधा, मैंने इसको नाम दिया, मुझे इसका नाम नहीं पता इसको क्या कहते हैं, तो मैं इसको पर्पल पौधा ही बोलती हूँ। ये है पर्पल पौधा, ये मुझे बहुत सुंदर लगता है देखने में। और ये है पत्थर चट्टा। मैं आपको बता दूं, ये शुगर के पेशेंट को खिला सकते हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए। ये देखिए इसका एक पत्ता, एक टाइम में एक पत्ता बहुत होता है। आप सुबह उठकर खाली पेट एक पत्ता खा सकते हैं, और अगर आप रेगुलर खाएंगे तो आपका शुगर कंट्रोल रह सकता है रेगुलर खाने से। लेकिन ऐसा नहीं करना कि एक दिन खा लिया एक दिन नहीं खाया, रेगुलर खाना है इसको। चलो टूट गया है, ये मैंने इसका एक पत्ता तोड़ लिया है अपने पति देव को खिलाने के लिए। और ये है हमारा कड़ी पत्ता। देखिए कड़ी पत्ते पे इसका बीज आ रहा है, काले काले छोटे छोटे जामुन जैसे। ये जामुन नहीं है, बस कड़ी पत्ते के ही बीज हैं। अगर आप अपने घर में नया पौधा उगाना चाहते हैं तो आप इसके इन काले काले बीजों को तोड़ के और मिट्टी में डाल सकते हैं। देखिए ये पक चुके हैं, और इनको आप मिट्टी में डालोगे तो ये टाइम आने पे खुद उग जाएंगे। ये देखिए मैंने तोड़े हैं, मैं भी इनको डाल दूंगी जब थोड़ा सूख जाएंगे, तो किसी भी गमले में मिट्टी में डाल दूंगी तो ये उग जाएंगे, और फिर हम इनको अलग अलग गमले में लगा सकते हैं। देखिए बरसात में सारे ही पौधे कितने अच्छे हो रहे हैं। पत्ता। और ये है हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट भी अच्छा हो रहा है बरसात में, बरसात में काफी अच्छा हो रहा है मनी प्लांट। इधर भी है मनी प्लांट और उस साइड भी है, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको।
घर भी है और एक छोटा सा सदाबहार का पौधा है। मैंने आपको कहा था ना मुझे बीज डालने की आदत है हर में, तो मैंने कम से कम एक साल होने को है जब आंवले के बहुत सारे बीज इस गमले में डाले थे। इसमें 3-4 आंवले के पेड़ उगे भी छोटे छोटे और उसमें से अभी एक ही बचा है, ये एक हो जाएगा। ये छोटा सा आंवले का पेड़ है, इसमें दूब घास है उग गई है, मैं इसको बाद में साफ करूंगी। और ये है छोटा सा गुलाब का पेड़, इस पर छोटी सी कली आ रही है, ये अभी टाइम लेगी खिलने में, जब खिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी बताऊंगी। और ये हैं हमारे शिव जी भोलेनाथ, मैं रोज इनकी पूजा करती हूँ, जल देती हूँ। और इन्हीं के चारों तरफ देखिए कितने सारे पेड़ भी उग गए हैं, अनार उग गया है। ये मैं क्योंकि जल देती हूँ काले तिल डाल के शिव जी को, तो काले तिल के पेड़ भी उग गए हैं शिव जी के पास ही। और ये है हमारा बेल पत्थर का पेड़, भोलेनाथ का फेवरेट। इसके कुछ पत्तों को कीड़ों ने खा लिया है, मुझे इनको दवाई लगानी पड़ेगी, आज दवाई डालूंगी इन पर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं बेलपत्र के पेड़ पे कौन सा वो दवाई लगाऊं कीड़ों के लिए, जिससे कीड़े मेरे पेड़ को ना खाएं। आपको अगर पता हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, और वो कहाँ मिलेगा वो भी बताना प्लीज़। छोटे छोटे 3-4 पेड़ हैं पत्थर चट्टा के, ये अभी बड़े नहीं हुए हैं, छोटे ही हैं। ये हमारी तुलसा मैया है, इनके पत्ते पता नहीं क्यों झड़ रहे हैं। और ये है हमारा मनी प्लांट, इसको विदेशी मनी प्लांट बोलते हैं, ये भी काफी अच्छा हो रहा है, बड़ा हो रहा है ये भी। और एक ये मेरा बड़ा आंवले का पेड़ है, ये देखिए ये बड़ा आंवले का पेड़ है, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये है मेरा थोड़ा बड़ा आंवले का पेड़। अभी देखिए इसकी पत्तियां कितनी सुंदर खिली हुई है ना, मैं शाम को आपके सूरज ढलते ही इसकी अगर फोटो खींचूंगी तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे शाम ढलते ही सो गए। मैं शाम को इसकी फोटो खींचूंगी तब आपको दिखाऊंगी। और अब देखते हैं स्नेक ट्री, ये है स्नेक ट्री। ये मैंने इसकी एक पत्ती इसमें भी लगाई है, ये है गमलों वाला, ये भी काफी अच्छा हो रहा है। और ये है अंगूर की बेल, अंगूर की बेल, ये मैंने मुनक्के जो होते हैं ना मुनक्के खा के उनके बीज गमलों में डाले थे, तो ये उससे उगी है, आप भी ऐसा ट्राई करके देख सकते हैं। अब मैं अपना ये मिनी व्लॉग करती हूँ बंद। अगर आप सबको मेरा मिनी व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।